नारियल कढ़ाई बना रही हूँ। बीफ नारियल कढ़ाई बनाने के लिए ये मैंने कढ़ाई ली है और इसमें आधा कप ऑयल का डाला है। अब इसमें मैं ये चॉप किए हुए लहसुन डालूंगी। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, लहसुन को ब्राउन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये मैंने बीफ लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह गला लिया है। लहसुन ब्राउन हो रहा है, लहसुन ब्राउन हो गया है। अब इसमें बीफ डालती हूँ। अच्छी तरह की धुनाई करेंगे। पांच मिनट तक इसकी अच्छी तरह धुनाई कर लेंगे। 5 मिनट तक मैं इसकी अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब इसी के साथ ही मैं टमाटर और थोड़ा मिर्ची डाल दूंगी। टमाटर की 2 मिनट तक मैंने भुनाई कर ली है। अब इसमें ब्राउन प्याज डाल दीजिए 1 कप। अब इसमें ये थोड़ी थोड़ी करके यखनी डालेंगे और इसकी अच्छी तरह भुनाई करते रहेंगे। जिसने बीफ गिलाया था, बीफ की जखनी है, इसी थोड़ा सा बता के इसे डाले गए और इसकी धुनाई करते हैं। सारे डाल के सुरख मिर्च आधा चम्मच, अदरक पाउडर, जायफल, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैं कह
पहले मैंने गोश्त गलाने में डाल दिया था, इसलिए नमक मैंने नहीं डाला। ये थोड़ी थोड़ी करके यखनी डाल रही हूँ और उसकी इसी तरह बनाई कर रही हूँ। अच्छी तरह मैंने भुनाई कर ली है। आप इसमें नारियल डालेंगे 2 चम्मच, इसे भी अच्छी तरह हिला लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बीफ खोपरा कढ़ाई मेरी तैयार हो गई है। देखिए घी अलहदा हो गया है। अब इसके ऊपर कसूरी मेथी डालते हैं, सफेद तिल भी डाल दिए, कसूरी मेथी भी डाल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह बीफ नारियल कढ़ाई मेरी तैयार हो गई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें और साथ ही घंटी का बटन प्रेस कर लिया करें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और साथ ही सब्सक्राइब कर लिया करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।